उत्तराखंड के एक ऐसे शहर में जिसे बौद्धिक नगरी भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मैं बोकारो स्टील सिटी में हूं, जहां पर जिसे बौद्धिक नगरी भी कहा जाता है। और बोकारो स्टील सिटी एक ऐसा शहर है जिसका पूरा देश में नाम है, जिसने बोकारो स्टील सिटी ने अपना लोहा हर एक क्षेत्र में मनवाया है, चाहे स्टील का मामला हो, चाहे बच्चों का पढ़ाई का मामला हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोकारो स्टील सिटी में इस समय हम लोग सिटी सेंटर सेक्टर 4 में खड़े हैं, जहाँ पर कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा और परिचर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुकेश सिंह जी हैं, विधायक प्रतिनिधि कमलेश राय जी हैं, कांग्रेस नेता अनिल सिंह जी हैं, सांसद प्रतिनिधि राजीव कंठ जी हैं, और कई गणमान व्यवसायी गण भी हमारे साथ हैं जो चैम्बर के प्रतिनिधि भी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बोकारो शहर पर शहर में अभी एक प्रमुख समस्या है बिजली, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ व्यवसायी गण हैं, पहले उनसे जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। हर रोज प्रदर्शन हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या प्रमुख क्या समस्याएं हैं आप लोग? हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ अभी तो फिलहाल बिजली के कारण हमारा जितना व्यापार है वो बहुत ही नीचे स्तर पर चला गया है, जिस कारण जितने भी शॉप हैं सभी को अपना जनरेटर चलाना पड़ता है, जिससे कि 500 से लेकर 3000 रुपये तक हर लोगों का एक रोज़गार से पैसा निकल जाता है, जो शायद इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिजली कटी होने से वो अपना वर्क, कंप्यूटर वर्क भी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। अभी सबसे बड़ा समस्या है रिटर्न फाइल करने का, जिनके पास इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? दोषी तो यहाँ पे बिजली सप्लाई BSL करती है, और BSL को ही मुख्य रूप से हम लोगों को अभी इस समय में तो दोषी मानना पड़ेगा। जितना भी और कोई तो यहाँ पे एजेंसी है नहीं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, और इलेक्ट्रिक और इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में इतने निचले स्तर पे गिर गया है जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। और बोकारो हमेशा, आज 10-15 साल पहले अगर बोकारो को अगर हम लोग याद करें तो बोकारो की एक अलग गरिमा थी, बोकारो का एक अलग स्थान था, न झारखंड में बट पूरे देश में। अगर कोई बोकारो आता था तो आके खुश हो जाता था कि यहाँ की इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इतनी अच्छा रोड से यहाँ पे था, इतना मेंटेनेंस होता था, और आज के दिन में उसका कोई स्तर ही नहीं रह गया। अच्छा, बहुत सालों से आपने नज़दीक से बोकारो को देखा है, बनते देखा है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते देखा है, क्या ऐसी समस्या कभी आई थी? बोकारो के इतिहास में जो अभी हम इस विकट परिस्थिति को से गुजर रहे हैं, केवल 3 या 4 घंटे बिजली मिलना, ऐसी स्थिति तो मेरे जानकारी में आज तक कभी नहीं आई है। और मैं एक बात और कहूँगा, पिछले 10 सालों से बोकारो का निरंतर ह्रास हुआ है, विकास नहीं हुआ है। ये शहर अब एक मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसकी मेंटेनेंस की समस्या है, इसकी बिजली की, सीवरेज की, रोड्स की, सफाई की। जितने कर्मचारी BSL में पहले काम करते थे इस सब कामों के लिए, आज उनसे कई गुना कम कर्मचारी उससे बड़े क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सारी सुविधाओं में कमी आई है, प्रबंधन के द्वारा इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ साथ प्रबंधन ने रिन्यूअल चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज में कई गुना वृद्धि कर दी है, लेकिन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। चार्जेस में कई गुना वृद्धि हुई है, मेंटेनेंस में कई गुना ह्रास हुआ है, और ये पहली बार घटा, और हर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।